Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. इस वीडियो में हम लोग शेयर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमने पहले एक वीडियो में शेयर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, डिविडेंड क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ शेयर कौन से होते हैं, एंड वैसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है वो दिखा था डिटेल में. एंड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं शेयर्स टॉपिक से रिलेटेड, ब्रोकरेज का ले लो या इन्वेस्टमेंट इनकम, सारे हमने डिटेल में इस वीडियो में सीखा था. सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम. Riya invested in shares of PSZ Industries of nominal value rupees 10. So यहाँ पे ये जो nominal value है, इसका मतलब होता है face value is given rupees 10. Then she received rupees 142.5 as total dividend. So यहाँ पे आपको ये जो value दिया वो है dividend. She received rupees 142.5 as total dividend at 9.5%. मतलब ये 9.5 is given rate of dividend. And question में पूछा है find the number of shares she bought. So total number of shares calculate करने. आपको dividend दिया है, face value दिया है, rate of dividend दिया है. So हमारे पास dividend का जो formula है, इसमें से मुझे डिविडेंड पता है, रेट ऑफ डिविडेंड पता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स पता है. सो ये फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके आई कैन फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स आल्सो. सो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. डिविडेंड इज गिवन 142.5, रेट इज गिवन 9.5%. सो परसेंटेज मतलब अपॉन 100 होगा. सो दिस नंबर इज ऑलरेडी इन डिनोमिनेटर, सो रेट का अपॉन जाएगा, सो दैट विल गो एज अ न्यूमरेटर. सो मल्टीप्लाइड बाय 100 न्यूमरेटर में आप लिखोगे. Then face value is given rupees 10. So let's cancel this 10. फिर अगर आप numerator में देखोगे, you have to multiply the number by 10. So 10 से multiply करने तो उसे decimal क्या हो जाएगा, एक place आगे shift हो जाएगा. So this will be 1425 divided by 9.5. So now using calculator you can find the value. So 1425 divided by 9.5 gives me 150 as the answer. So question mein kya pucha hai, the number of shares she bought. So the number of shares Riya bought is 150. That's it in this video. If this video was useful for you, then please do like and subscribe this channel for more such videos. And don't forget to share this video among your friends. Thank you.